पर अब मेरठ से है जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। दरअसल लड़की को बंधक बनाकर 4 महीने तक दुष्कर्म किया गया है। नौकरी के दौरान दोनों में दोस्ती हुई, गलत धर्म बताकर युवती से दोस्ती की गई। तो मेरठ के खैरनगर का रहने वाला है आरोपी अदनान। मेघालय की रहने वाली लड़की दिल्ली में मौसी के घर में रहकर नौकरी कर रही थी। लड़की के परिजनों ने अब पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, तो आरोपी अदनान को भी गिरफ्तार किया गया। मेरठ का मामला है, लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। लड़की को बंधक बनाकर 4 महीने तक दुष्कर्म किया गया। नौकरी करने के दौरान दरअसल ये जान पहचान हुई, दोनों के बीच में दोस्ती हुई और गलत धर्म को बताकर युवती से दोस्ती की गई है। तो मेरठ के खैरनगर का रहने वाला है आरोपी अदनान, जिसने युवती को 4 महीने तक बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो मेघालय की रहने वाली ये लड़की बताई जा रही है, जो कि अपनी दिल्ली में मौसी के घर रहा करती थी। फिलहाल लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत को दर्ज कराया है, लड़की को बरामद कर लिया। इसके साथ ही आरोपी की भी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। तो लव जिहाद का मामला एक बार फिर से मेरठ से सामने आया है। धर्म बदलकर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसको बंधक बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। मैं यहाँ में दिल्ली पर जॉब करने के लिए आई थी मेरी मौसी के साथ जी। तो फिर मैं यहाँ में आई थी एंड फॉर 2 मंथ्स में मेरा और अदनान के साथ साथ में जॉब करते हैं। तो फिर वहाँ से हमारा दोस्ती शुरू हुई है एंड देन फिर उसने मुझे वहाँ से निकलने के लिए कहा है लॉकडाउन के बीच बीच में। तो फिर उसने गाली दिया मुझे एंड देन आफ्टर दैट उसने मुझसे ये कहा है कि अगर वहाँ से नहीं निकलूँगी तो उसने वो ब्लैकमेल किया मुझे। किस तरीके से ब्लैकमेल करता था? He said that he will kill my aunt and me as well. तो मनव्वर हमारे साथ मेरठ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनव्वर, 4 महीने तक इस आरोपी ने लड़की को बंधक बनाया, दुष्कर्म किया क्या और धर्म बदला, नाम बदला और उसके बाद दोस्ती की गई यहाँ पर। अब क्या लड़की ने कुछ बताया है कि इस दौरान उसे एक बार भी शक नहीं हुआ और उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई? देखिए, जो ये पीड़िता है इसने तमाम चीजें अपने आप ही बताई हैं। इसने बताया कि अदनान और ये लोग जो है दिल्ली में जॉब किया करते थे एक साथ। इसके बाद लॉकडाउन भी लगा, ये लोग नोएडा गए, नोएडा से अदनान ने इसको दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, वहां से इसको दूसरी जगह ले गया, फिर वहां से धीरे धीरे मेरठ लेके आया और मेरठ में जब लेकर आया तो अपने घर पर रखा। इस बीच में अदनान ने इसका मोबाइल भी तोड़ दिया जिससे कि अपने घर संपर्क न कर सके। हालांकि इनका ऑनलाइन काम चल रहा था तो इसलिए अदनान ने अपनी जो मदर थी उनका मोबाइल भी इनको दिया और इसी मोबाइल मिलने के बाद मनव्वर जैसा कि आप बता रहे हैं कि घर में ये लेकर गया शख्स उस युवती को, क्या परिवार वालों की भी संलिप्तता है इसमें? परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी सबकी? देखिए, अभी तक जो पुलिस जांच कर रही है उसमें इस तरह की बात तो नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर इस तरह का प्रकरण आया है तो परिवार वालों से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अदनान को गिरफ्तार किया गया है और जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है, उससे पूछताछ की गई है और जो पीड़िता है उसको परिवार के हवाले किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में अदनान पर आरोप है कि उसने इसको यहाँ पर बंधक बना के रखा और उसको परिवार से बात नहीं करने दी, मारपीट करता था, लड़की के हाथ में फ्रैक्चर है जिसको लेकर के ही लड़की लगातार अपने परिवार के संपर्क में आई और तमाम चीजें बताई। मेघालय में मुकदमा कायम हुआ जिसके बाद मेघालय से यहाँ पर पुलिस से संपर्क किया गया और पुलिस ने तत्काल ही अदनान को गिरफ्तार किया, लड़की को बरामद कर लिया है। यानी कि जिस तरीके से अपहरण करके यहाँ पर बंधक बनाया गया था और रेप की पुष्टि की बात अगर की जाए तो अभी मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर क्या बात क्या थी। क्योंकि अभी इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने कोई भी बयान अपना जारी नहीं किया है, एक प्रेस नोट के माध्यम से तमाम चीजें बताई है जिसमें अभी नाम बदलकर रखना और रेप करने की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ये भी जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इस तरह के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के पुलिस और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण में किस तरीके की कार्रवाई होती, क्योंकि फिलहाल तो अपहरण करना और बंधक बनाकर रखना इस तरीके की, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्रवाई होगी, जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई आखिरकार इस आरोपी पर की जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका मनव्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए।